सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से एक प्लेन कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने जी कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है और जो इसकी कटिंग की है मैंने, वो मैंने 8 इंच ज़्यादा कटिंग की है। जैसे मेरे पास जो इस कुर्ते की हिप है वो 21 इंच है, तो जहाँ पर मैंने 28 इंच की कटिंग की है, यानी कि हमने डिज़ाइनिंग के लिए 8 इंच कपड़ा ज़्यादा कट किया है। अब उसके बाद इस सेंटर वाले पॉइंट से हम जहाँ पर 2.5 इंच के निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन निशानों को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जहाँ पर हम फिर 2.5 इंच के निशान लगाकर इस निशान को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से डिजाइनिंग ड्रॉ करने के बाद लाइन, अब उसके बाद दूसरी साइड पर ही हमने 2.5 इंच के निशान लगाकर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी साइड पर भी हम 2.5 इंच के निशान लगाकर जहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लेंस को ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद जहाँ पर मैं ये समोसा कट लेंस को अटैच करूँगी, वो हम कैसे अटैच करते हैं वो हम आपको मशीन पर चलकर दिखाते हैं। जी देखिए, इस तरह से हम जहाँ पर इस समोसा कट लेंस को अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने इस तरह से लेंस को रखना है, और जो हमने लेंस ड्रॉ करी थी उस लेंस से हमने इस तरह से कपड़ा उठाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। जी देखिए, इसी तरह से हमने नीचे तक इस लेस को अटैच कर लेना है। जी देखिए, इस तरह से हमने लेस को अटैच कर दिया है। अब उसके बाद दूसरे साइड पर भी हम सेम इसी तरह से इस लेस को अटैच करेंगे। जी देखिए, इसी तरह से रखते हुए इस कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा देंगे, जिससे हमारी जो लेस है एक की सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी। और इस लेस को भी हम नीचे तक अटैच कर लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने लेस को अटैच कर दिया है दोनों साइड। उसके बाद दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से इस लेस को अटैच करेंगे, और इस लेस का जो फेस है हम इस तरह से रखेंगे। जी देखिए, इस तरह से रखते हुए हम इसे अटैच करेंगे। जी देखिए, इसी तरह से हम इस लेस को भी अटैच करेंगे, जैसे हमने दूसरी लेस को अटैच किया है। जी देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने लेस को अटैच कर दिया है। अब उसके बाद जो हमने जेल वाली लेंस ड्रॉ की है, इसके ऊपर भी हम सेम इसी तरह से इस लेस को अटैच करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने दूसरी लाइन के ऊपर भी इस लेस को अटैच कर दिया है। अब उसके बाद जहाँ पर हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे, जी देखिए, इस तरह से हमने इसकी आर्म होल की कटिंग कर दी है। जी देखिए, अब उसके बाद जहाँ पर हम नेक के लिए डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने जो निशान लगाए हैं, एक निशान हमने ऊपर 5 इंच पर लगाया है और एक हमने इस तरह से तिरसा 15 इंच पर लगाया है। इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने जो बुकरम ली है 1 इंच चौड़ी,
और लेंथ हमने इसकी इस तरह से 10 इंच रखी है। इसे हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से साइडों से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर हमने स्टिच लगा दी है। अब उसके बाद इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर करेंगे। और जहाँ पर हम सेंटर के लिए एक निशान लगाएंगे और इस पट्टी को हम सेंटर में रखते हुए इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगाएंगे। इस स्टिच को हम बाद में हटा देंगे। देखिए नीचे हम सेंटर के साथ सेंटर को मैच करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी के नीचे हम इस समोसा कट लेस को इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। अब जहाँ से हम एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करेंगे ये देखिए इस तरह से लेस अटैच करने के बाद इस सिलाई को हम बाद में हटा देंगे। और जहाँ पर हम ये सिंपल नेक बनाएंगे तो मैंने ये नेक के ऊपर इसे कपड़े के ऊपर नेक को पेस्ट कर लिया है और इस तरह से हमने नेक को भी बना दिया है। जहाँ पर लगाने के लिए मैंने ये 3 बटन लिए हैं गोल्डन कलर के, जो हम जहाँ पर सेम गैप रखते हुए इसे लगाएंगे। और इसके साथ ही जो हमारी कुर्ती का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। जी देखिए इस तरह से हमने अपनी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग कर ली है और इसकी स्लीव के ऊपर भी मैंने सेम इसी तरह से इस गोटा पट्टी लेस को अटैच किया है। इसके बटन को भी हमने अटैच कर दिया है इसके ऊपर। और इसी तरह से ये हमारा आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा ये कुर्ती डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।